तुम्हें फिर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पे ध्यान देना होगा। टेस्ट इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारा पूरा सिलेबस तुम खुद कंप्लीट कर चुके हो तभी तुम टेस्ट दोगे। टेस्ट ही हेल्प करेगा तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने में, बात समझ रहे हो? टेस्ट हेल्प करेगा तुम्हें पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कराने में। तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट नहीं देते हो, तुम टेस्ट देके अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हो, बात समझ में आई? तो इस बात का ध्यान रखना। हाय, ये व्लॉग नहीं है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है और थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है अभी हम सबको, मुझे नहीं, मेरा हो गए, सीरियस होने की जरूरत तुम्हें, तो वो बताने आया हूँ। अगर फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो फिजिक्स को बता दो कैसे पढ़ना है, क्या करूँ, कहाँ से क्वेश्चन करूँ, ये सब अगर जानना है तो इस वाले वीडियो में कमेंट कर दो ताकि मैं उसका भी बना सकूँ। लेकिन अभी मैं इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ कि लास्ट थ्री मंथ, अभी थ्री मंथ बचे हैं, आज 16th है, 17th जुलाई का तुम्हारा पेपर है, तीन मंथ बचे हैं, इन तीन मंथ में करना क्या चाहिए? मैंने क्या किया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे 621 आए हैं, तुम्हारे और थोड़े बेहतर लाने की जरूरत है तुम्हें, क्योंकि 621 पे नहीं पूछ रहे हैं दुनिया में लोग, है ना, तो और बेहतर करने की जरूरत है। अगर तुम वो गोल लेके चल रहे हो ना कि 600 के प्लस ला दूंगा और जीवन सेट हो जाएगा, नहीं होने वाला है, तो 621 पे भी लोग नहीं पूछ रहे हैं, अब 650 पे शायद थोड़ा बहुत पूछ रहे हैं, या फिर उससे भी ऊपर लाने पे, तो उसकी उसके लिए उपाय क्या है? मैंने नहीं किया था ये सब, लेकिन करना चाहिए था मुझे, ये अब रियलाइज होता है। तुम लोग वो सब करोगे ना तो फायदा में रहोगे। पहली चीज, तीन महीने बचे हैं, अगर बायो तुम्हें अब तक याद नहीं हुए ना तो गलत बात है, तुम्हें याद होना चाहिए था पूरी बायो। अब तुम बस ऐसे ग्रुप गो थ्रू करना चाहिए तुम्हें कि अरे अरे पलट रहे सब कुछ समझ में आ रहा है ऐसा। ये लास्ट मेरे टाइम पे हो गया था, मैंने खुद का कर लिया था, क्योंकि मेरा बायो अच्छा गया था, बायो के मार्क्स मेरे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग थे। करना क्या चाहिए अभी के टाइम पे? तुम लोग 720 नंबर वाले पेपर्स देने शुरू करो। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे सिलेबस का हो, वो छोटे पार्ट का भी हो सकता है, लेकिन 720 में 720 वाला देना शुरू करो। अब देखो, उसको देने वक्त एकदम ईमानदारी से देना है, चीटिंग करते हैं बहुत लोग करते हैं, मैंने खुद किया है, पापी इंसान हूँ मैं। चीटिंग कैसे कैसे करते हैं देखो, कोई क्वेश्चन ईजी है, दिख रहा है कि अरे ये तो मेरे को पता है लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों, तो देख लेते हैं फट से, पलट के देख लेते हैं, ये सब नहीं करना है। आसान क्वेश्चन आता है ना तो स्किप कर देते हैं लोग और इसको उसको प्लस फोर में ज्वाइन ले लेते हैं कि हाँ ये तो आसानी क्वेश्चन है, ये तो मैं कर ही लूँगा, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। जब खुद से टेस्ट दिया जाता है, क्योंकि आज के टाइम पर ना वो नहीं हो रहा है, ज़्यादातर लोग घर पर टेस्ट देते हैं, वो नहीं हो पा रहा है कि कोचिंग में जाके वहाँ पर टेस्ट दिया, ये सब हो नहीं पा रहा है, तो घर पे लोग टेस्ट दे रहे हैं इसकी वजह से, तो उसमें चोर कटाई नहीं करना है। दूसरी चीज, क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, और तुरंत पेपर देने के, हाँ 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में प्रॉपरली बैठ के दो, एक बार बैठोगे पूरा का पूरा पेपर दोगे। अगर हाँ दिख रहा है तुमको कि मैं लास्ट में 2-3 पेपर दिया तुमने, लास्ट में तुम्हें पता चल रहा है कि मैं 20 मिनट बचा ले रहा हूँ, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री करने के बाद फिजिक्स जब करो, क्योंकि मोस्टली लोग यही करते हैं कि बायोलॉजी केमिस्ट्री पहले कर देते हैं फिर फिजिक्स बाद में करते हैं, तो उसके बीच में ना एक बार थोड़ा सा ध्यान वान कर लो 5 मिनट के लिए, कि फिर से एकदम शांति के साथ फिजिक्स शुरू कर सको, क्योंकि दिमाग काफ़ी स्ट्रेस में आ चुका होता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बाद में, तो फिजिक्स में थोड़ा सा पीसफुल माइंड चाहिए, पीसफुल माइंड के लिए एकदम 5 मिनट थोड़ा रेस्ट कर लो, एक बार सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में ला लो कि तेज नहीं पढ़ना है, आराम से अच्छे से पॉइंट पढ़ना है, यूनिट का सारा ध्यान देना है, ये सब खुद में एक बार बातें बोल लो ताकि क्वेश्चंस करने वक्त ये सब गलती ना हो, तो इसके लिए 5 मिनट तुम शांत कर लो अपने आप को। आगे बढ़ते हैं, जब क्वेश्चन को चेक करोगे ना, जब पेपर देने के बाद 10 मिनट बाद, उसी वक्त 10 मिनट बाद चेक कर लेना है, रेस्ट लो 10 मिनट, उसको चेक करना है पूरे पेपर को, तो उसमें देखो जो गलत क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन अगर गलत होता है तो उसको तो प्रॉपर पहले साइड में लिख लो, और उसको कम से कम 3 बार ज़रूर करो, उस वक्त नहीं, एक बार किया फिर कुछ दिन बाद एक बार किया फिर कुछ दिन बाद एक बार किया, ताकि वो तुम्हारे साथ क्वेश्चन रह जाए और कभी नीट में आके गलती से तो छूटे नहीं। दूसरी चीज़, कोई सिली मिस्टेक होता है ना किसी क्वेश्चन में, तो उसको ये कह के इग्नोर मत करो कि अरे बाप रे ये तो सिली मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं अगली बार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर इस बार सिली मिस्टेक हुआ है ना और उसने उसको तुमने इग्नोर कर दिया है, तो वो नेक्स्ट टाइम फिर से अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो सिली मिस्टेक कर दोगे और फिर पछताओगे कि लो यार ये तो किया हुआ क्वेश्चन था, सिली मिस्टेक लास्ट टाइम भी किया था इस बार भी हो गया, ये हो जाता है, तो उसको इग्नोर नहीं करोगे। अब देखो पेपर में अगर मार्क्स खराब आते हैं ना, जैसे लेट्स से तुम्हारा, मेरा मानना यही कि अगर 525 मार्क्स आ गए लेट्स से, तो ये खराब मार्क्स ही है, जाकर फ्लॉन्ट नहीं कर सकते इसको,
ठीक है, तो इसको जब फ्लॉन्ट नहीं कर सकते हो तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई पूछ देता है घर वाला, तो तुम थोड़ा सा ऐसे 25-30 नंबर ऐड करके बता देते हो, थोड़ा सा सुकून मिल जाए कि हाँ चलो ठीक है, बोल देते हो टफ पेपर था, फलाना था, धमकाना था, सब करते हैं, ठीक है, मैंने भी किया है, सब करते हैं। तो वो झूठ मत बोलो, एग्जैक्ट जितना नंबर आया ना उतना बता दो, भले ही बहुत ख़राब हो, दो चार गाली मिलेगी ना घर से तो अगली बार अच्छा प्रिपेयर करने का और मोटिवेशन मिलेगा। इसको वो नहीं लेना, डिप्रेस नहीं होना है कि अरे यार खराब मार्क्स आ रहे हैं, खराब मार्क्स जितने आने आने दो, नीट के पहले, उसके बाद खराब नहीं आने चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। तीसरी चीज, हाँ ये चीज बहुत बार होगा ना कि तुमने पेपर दिया 525 मार्क्स आने लिए, फिर तुमने सोचा कि अगले वाले में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, अगली बार तो कैसे भी 600 नंबर लाऊंगा, कितना भी खराब मतलब टफ से टफ पेपर हो, अगली बार तो 625 लाऊंगा, 600 लाऊंगा। अब क्या हुआ, अगले पेपर में और मार्क्स घट के 500 या फिर 490 पहुंच गए, ये होता है, ये दो तीन बार मान लो गिरते गया मार्क्स, तब तो एकदम पागल हो जाओगे कि अरे यार क्या पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा फायदा। लेकिन अगर तुम ईमानदारी से, अगर 525 आए थे उसके बाद दो तीन टेस्ट में अगर कम भी है लेकिन ईमानदारी से तुमने पढ़ा था ना, तो चौथा टेस्ट इतना ज़बरदस्त होगा ना तुम्हारा दिमाग एकदम फट जाएगा भाई क्या मस्त हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर अच्छा हो गया तो फिर छोड़ दिया पढ़ाई, वैसे ही एकदम स्पीड उसी तरीके से पढ़ाई करते रहोगे ना तो लास्ट पेपर बहुत तगड़ा होने वाला है, नीट इजीली निकल जाएगा। नीट निकालने के बाद कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है भाई, जीवन खराब ही है लेकिन फिर भी सुकून है जीवन में। खैर अब तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, बेनिफिट क्या है टेस्ट देने का, स्पेशली इन बायो, क्योंकि बायो बहुत इंपॉर्टेंट है। 360 मार्क्स आ गए ना बायोलॉजी में तो तुम्हारा जीवन आसान हो चुका है, 350 भी आ गया ना तो तुम्हारा जीवन काफ़ी आसान हो चुका है, क्योंकि अब तुम्हें बहुत थोड़े थोड़े मार्क्स लाने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, वो इतने थोड़े हैं कि आराम से आ सकता है। तो बायोलॉजी में टेस्ट देने का फायदा क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन बहुत सारे ना याद हो जाते हैं, जितने क्वेश्चन करते जाओगे बायोलॉजी में बड़े आसानी से याद हो जाते हैं कि हाँ ये था ये था ये था, तो तुम्हें एकदम हाईलाइट होकर दिखते रहेगा जब नीट का पेपर दोगे, तो आसान क्वेश्चन आते हैं नीट में। आगे क्वेश्चन एक्चुअली में कैसे बनते हैं ना वो चीज़ें पता चल जाएंगी तुम्हें। जैसे एक क्वेश्चन तुमने किया और तुमने एक एनसीईआरटी बुक पढ़ी थी, तो बुक में तो बहुत सारी लाइंस हैं, तुम धड़ाधड़ पढ़ते जा रहे हो, तो एक लाइन को तुम क्यों इंपॉर्टेंस दोगे उसमें, तुम तो पूरी बुक को इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना, तुम उस लाइन को कैसे इंपॉर्टेंस दे पाओगे। तो उस लाइन की इंपॉर्टेंस देगी जब तुम पेपर दोगे और देखो कि अरे ये तो बड़ा घटिया सा लाइन था इससे क्वेश्चन आ गया है, तो ये चीज़ तुम्हें उस लाइन की इंपॉर्टेंस बताएगी। वैसे ही जितने क्वेश्चंस करते जाओगे ना तो उससे क्या होगा कि हर लाइन से एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलते जाएंगे, तो तुम्हारे लिए अब हर लाइन इंपॉर्टेंट होता जाएगा, जब भी तुम रिवाइज करोगे तुम्हें हर लाइन ढकता दिखेगा कि हाँ इससे क्वेश्चन बना था, इससे भी क्वेश्चन बना था, इससे भी क्वेश्चन बना था, तो इस तरह से सारे लाइन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और फिर तुम उस लाइन पर फोकस करना शुरू करोगे। एग्जाम्पल्स लोग ना इग्नोर करते हैं कि चलो हाँ ठीक है लास्ट टाइम पर इसको देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो वैसे भी याद नहीं रहने वाले हैं, तो लास्ट में देखेंगे मस्त लास्ट में करके जाएंगे हो जाएगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। इसके लिए फिर यहाँ पर टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट में एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं, वो भी एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें उस क्वेश्चन से एग्जाम्पल याद होने लगता है, फिर देखोगे कि अरे सारा टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसके लिए तुम फिर एग्जाम्पल याद करना शुरू करोगे। तो इसलिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जब तुम्हारा टेस्ट में खराब नंबर आएगा तब तुम इंपॉर्टेंट लाइंस को देखना शुरू करोगे, तब तुम इंपॉर्टेंट वो एग्जाम्पल्स को देखना शुरू करोगे। एग्जाम्पल्स सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर डायग्राम्स को इंपॉर्टेंट देखना, उसमें डायग्राम्स में कंफ्यूजिंग पार्ट्स को ढूंढना जरूरी है, जैसे कोई दो चीज़ साथ में ही है, इसका नाम कुछ और है, इसका नाम कुछ और है, और तुमने ध्यान नहीं दिया बुक में। अब बुक में ध्यान नहीं दिया, देखो लोग कहते हैं एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ लो तो हो जाएगा, नहीं, टेस्ट भी देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दो चीज़ में तुम कन्फ्यूज़ नहीं हुए जब बुक पढ़ रहे थे, तो लेकिन जब तुम्हारे पेपर में आ गया ना तब तुम्हारे ध्यान में, अरे यार ये तो देखा ही नहीं था मैंने कि दो चीज़ थी अलग अलग थी, वो एग्जामिनर ने सेट कर दिया है कि उसको पता था कि ये चीज़ पे कन्फ्यूज जाएगा बच्चा, तो चीज़ें वहाँ पे कन्फ्यूजिंग हो जाती है। एग्जाम्पल सब मेरे को याद खुद नहीं है, नहीं तो मैं अभी इतना बढ़िया एक एग्जाम्पल देता ना तुम्हारे वहाँ फट जाता। खैर बाकी हाँ एनसीईआरटी को एकदम कचड़ बना दो बायो में, तो एकदम लिख लिख के इधर उधर भर भर के गंदा दिखे, मन नहीं करे किसी और को पढ़ने का, सिर्फ तुम्हें मन करे। बाकी क्वेश्चन जो होते हैं ना बायोलॉजी के, सिर्फ तुम्हें हेल्प करते हैं रटने में, क्वेश्चन को तुम्हें एनसीईआरटी को रटने में हेल्प करते हैं। जब एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन बनते हैं ना तो तुम्हें एनसीईआरटी रटा देती है वो क्वेश्चन, ये बेनिफिट है एनसीईआरटी के वो देने का, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड
क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, ये फ़ायदा है टेस्ट देने का। बाकी तुम देख लोगे। हाँ, करना क्या है अभी के टाइम पे? करना ये है कि दिन रात पढ़ते रहना है। सुबह उठे, पढ़ाई करना शुरू किया, खाना खाया, थोड़ा इंस्टा घुमा लिया, वो भी लिमिट में, अपना लिमिट खुद बना लो कि कितने में मेरा लिमिट हो जाएगा। थोड़ा फिर पढ़ाई कर लिया, फिर थोड़ा सा मन किया तो यूट्यूब घुमा लिया, फिर पढ़ाई करने लगे, इधर उधर कर रहे हैं, कुछ कुछ थोड़ा बहुत इधर कर ले रहे हैं, फिर पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब मेन काम मेरा पढ़ाई है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी सारी थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर से आती रहेंगी। और अभी तो स्ट्रैटेजी ये है, महीना भर के बाद टोटली चेंज हो जाएगा स्ट्रैटेजी। ये तुम्हें फिर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पे ध्यान देना होगा। टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारा पूरा सिलेबस तुम खुद कंप्लीट कर चुके हो तभी तुम टेस्ट दोगे। टेस्ट ही हेल्प करेगा तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने में। बात समझ रहे हो? टेस्ट हेल्प करेगा तुम्हें पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कराने में। तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट नहीं देते हो, तुम टेस्ट देके अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हो। बात समझ में आई? तो इस बात का ध्यान रखना भाई। ऑल द बेस्ट, करते रहो, कोई दिक्कत हो तो बताना। अंकित सिंह _25 पे।